अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। सो कल की वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने टाइटल में ही लगा दिया था कि समर के कपड़ों का मिशन हो गया शुरू। तो आज आई एम एट F10 विद माय मदर इन लॉ एंड हमने सोचा है कि हम, क्योंकि मैंने कल इंस्टाग्राम पे लगाया था कि कहाँ पे अच्छा फैब्रिक मिलेगा, सो एवरीबॉडी सेड कि F10 आप आ जाएं। तो अब हम लोग F10 आ गए हैं, अब लेट्स सी कि हमें यहाँ क्या मिलता है और जो जो मिलता जाएगा वो आपको दिखाते जाएंगे। बेसिकली दे हैव फैब्रिक स्टोर्स लाइक दिस। अब ये वो आशियाना वाला माहौल नहीं है कि एक ही जगह। हाँ जी, क्या मिला कहीं वहाँ? उसके साथ इस तरफ ये उठानों में चलते जाएंगे, सीधा चलते जाएं इसको देखना। पहले इधर चले जाते हैं, इसको देख लेते हैं, अगर नहीं समझ आती तो फिर उस साइड। इधर हम आ गए हैं उसको छोड़ के, दिस इज लाइक मोर फैब्रिक और डायर शायर भी हैं, तो इधर देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। पहले हम डायर वाले भाई को डायर देने लगे। ये मेरा शिफॉन का दुपट्टा था, इसको ठीक करना है। नहीं इधर नहीं हो रहा, ओके गाइस फाइनली मुझे कुछ आ गई कराची टाइप वाइब। इधर देखते हैं शायद कुछ हमें मज़े का मिल जाए। सबसे ज़्यादा जो है ना वो चिकन के ऊपर प्रिंट एंड ऑल ऑफ दैट की वैरायटी इनके पास है। दिस इज़ द खैबर बाड़ा दुकान, आई लाइक दैट, लेकिन बहुत पतला कपड़ा है एंड इट्स अ टू पीस सूट, सो आई डोंट वांट दैट। तो मैंने चिकन का ही लिया। अब इसको मैं और रमशा कुछ डिज़ाइनिंग करेंगे कि क्या। ओके गाइस, आई बॉट वन चिकन और उसके साथ नीचे हमने बॉर्डर्स के लिए ये दोनों ले लिए और ये मैं लेना चाह रही हूँ, लेकिन ये जो सस्ता खान भाई हैं कुछ सस्ता मुझे करके दे नहीं रहे अभी तक, लेकिन कुछ देखते हैं कि हाँ। लेकिन इनके पास सबसे ज़्यादा चिकन की अभी तक जितनी मैंने F10 में देखी है ना वैरायटी, वो इन भाई के पास है। तो अच्छा, उस चिकन के लिए ना ये KFC है। KFC से आपने जस्ट कम स्ट्रेट डाउन टू दिस बाड़ा क्लॉथ, तो यहाँ नीचे, ऊपर नहीं नीचे यू विल फाइंड दिस। तो उनसे मैंने ये वाला चिकन लिया है, सो प्लीज़ अब आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। बट ही हैड अ वेरी गुड वैरायटी, लाइक दिस वन वाज नाइस। ये बरीजे का कोई कॉफी स्टाइल है और मुझे ये बहुत अच्छा लगा है ये वाला। आई माइट गेट इट इवेंचुअली, अभी नहीं, अभी पहले देखती हूँ आगे कुछ मिला तो, वरना फिर ये वाला आके ले जाऊँगा। इस भाई की इस दुकान का नाम है बेचारा सिल्क, लेकिन इनके पास ये प्रिंट लॉन का बहुत अच्छा था तो ये मैंने ले लिया फुल सूट। तो हम शलवार भी, हाँ इनके पास भी बहुत, ये F10 में, तो अगर आपको F10 से लेना है तो ये बेचारा सिल्क पे आप आ जाएं। इनके पास और भी, मतलब यू गाइस कैन फाइंड नाइस प्रिंट्स इवन इफ यू लुकिंग फॉर लाइक नाइट सूट्स। दिस प्रिंट आई सॉ एट ज़ारा, एक्चुअली आई सॉ दिस प्रिंट एट ज़ारा, दे मेड अ ड्रेस आउट ऑफ दिस, आई एम प्रीटी श्योर यही प्रिंट था। बट दे हैव सम नाइस ऑप्शन, इनके पास कपड़ा अच्छा है, इवन जो नाइट सूट वाला फैब्रिक है ना, जैसे ये प्रिंट नाइट सूट के लिए बहुत अच्छा है, जो खुद आप सिलवा लेते हो तो यू कैन ऑलवेज गेट दैट। दिस इज़ अ बरीजे का प्रिंट, ये कल ही हमने देखा था मैंने और रमशान ने। सो ही हैज़ दिस बेचारा सिल्क गाय हैज नाइस ऑप्शन, इवन दिस फैब्रिक आई लाइक, ये थोड़ा टेबल मैट टाइप है बट इसके अंदर ये काम बड़ा पतला प्यारा हुआ हुआ है, सो सम गुड ऑप्शन। ये गाइज आई हैव कम अक्रॉस अ ज्वेलरी स्टोर, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है बट आपको पता है मेरी वीकनेस है ज्वेलरी, बिकॉज आई डिज़ाइन ज्वेलरी ऑल्सो, सो इनके पास काफ़ी वो इमिटेशन ऑल्सो। हेलो, दिस इज़ माई लुक टूडे, हाई। सो इनके पास वो इमिटेशन टाइप सेट्स हैं एंड आई एक्चुअली सॉ लाइक टोरी बर्च कॉपी ऑल्सो समवेयर देयर। ये 5000 की ये ज्वेलरी है और 6000 के जो ये यहाँ पे ये वो जो मैं गोल्ड की पहनती हूँ ना, जो आप लोग ईद पे पूछे थे, इनके पास वो इमिटेशन में है एंड ऑनेस्टली यू कैन जस्ट गेट दीज इंस्टेड ऑफ गेटिंग द रियल वंस, कोई नहीं इतना पता चलेगा। दिस इज गाइस द टोरी बर्ड स्टाइल वन दैट आई वाज सेइंग एंड दे हैव गॉट सम वेरी इंटरेस्टिंग फ्यूजन टाइप ऑफ पीसेस। ओके गाइस, सो वी बॉट टू सो फार, एक वाइट चिकन का लिया है और एक वही जो पिंक एंड वाइट प्रिंटेड लिया है। चिकन वाला आई एम इंटरेस्टेड इन गेटिंग दैट डायर, अभी कोई अच्छा डायर मिला तो डायर करा लेंगे एंड मे बी लाइक वन मोर एंड देन द डिज़ाइनिंग प्रोसेस इज़ गोना स्टार्ट, कि इनको करना क्या है वो प्रॉब्लम है और रमशा करेंगे, मैं उसको रात को आज शायद पिक करूँ या कल एंड देन वील गेट दीज डन। ये एक और नीचे आपने आना है शहबाज फैब्रिक पे, उनके पास ये लॉन बहुत अच्छी है। एक मुझे ये बहुत अच्छा लगा था प्रिंट, एक ये चुनरी प्रिंट बहुत अच्छा था बट वी फाइनलाइज दिस वन और साथ इसका ये चिकन का पजामा विच इज़ गॉट लाइक बॉर्डर एट द एंड। तो ये आप शहबाज भाई खुद हैं? नहीं शबाज भाई बड़ा भाई, मैं छोटा अली, मेरा नाम अली है। अच्छा, आप अली भाई के पास आ जाएं, वो आपको डिस्काउंट भी दे देंगे और कपड़ा भी अच्छा दे देंगे। यूट्यूब पे लगा देंगे मशहूरी अली भाई से मैंने ले लिया एक शर्ट और उसका पजामा।
शुक्रिया अली भाई, थैंक यू। अली भाई के पास सिलाई भी होती है, फैंसी कपड़ा भी होता है, और ये बटन्स का भी काफी ऑप्शन है। सो यू गाइस कैन चेक हिम आउट, वेरी वेरी गुड कपड़ा। दिस इज द वन दैट आई गॉट विद दिस पजामा, एंड आई लाइक दिस टू शर्ट्स, बट देन आई एंडेड अप जस्ट गेटिंग दैट प्रिंटेड वन। सो या दिस इज अली भाई, इनके पास आप आ जाए, अच्छी दुकान है अली भाई की। ओके सो नाउ वी हैव गॉट थ्री, एक फुल सूट है, एक पजामा है, एक शर्ट है, एंड एक वो चिकन वाला है। डिजाइनिंग साथ साथ करते जाएंगे तो आप लोग प्रोसेस देखते जाना, बट हम इसी स्ट्रीट पे उस वक्त से घूम रहे हैं के एफ सी के ऑपोजिट, तो यहीं पे सारी दुकानें हैं। इसके अलावा हम घूमे हैं, वी डेंट फाइंड एनीथिंग, बट दिस स्ट्रीट हैज़ एवरीथिंग, सो यू कैन कम एंड चेक दिस स्ट्रीट आउट। इफ़ यू आर बेस्ड इन इस्लामाबाद और इन पिंडी तो आप यहाँ आ जाएँ। राबी सेंटर आई डेंट फाइंड एनीथिंग एट ऑल, सो वो आई डेंट इवन बॉदर शोइंग यू गाइज, वहाँ कुछ इतना अच्छा नहीं था। दीज गाइज हैव गुड फैब्रिक, अच्छी क्वालिटी है, प्राइसेस भी इनकी ठीक है, थोड़ा सा बार्गेन करना पड़ता है, बताते ओके। अब हम अच्छा एक डायर ढूंढ रहे हैं, डायर से करा के, एंड देन आई थिंक वर्ट थिंग मैं साथ पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी, वॉज इंस्पायर्ड बाय अ सेट बाय निया मियाँ, एंड उसका मैं अब ये कर रही हूँ। लेकिन मैं ना कलर ढूंढना चाह रही हूँ कि मैं डाई वाले भाई को कलर के कतरन साथ दूँ कि भाई ये डिटो डाई करना है। सो लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड एनी नाइस कलर टू गेट इट डाइड। ओके सो दिस बाबा जी, सामने का बाबा जी, ये इधर सामने उधर ही KFC के सामने ही है, ठीक है। इनके पास पूरा शेड कार्ड भी है, तो आप इधर से आके डाई करा लें। मैं अभी देख रही हूँ कि इस कार्ड में से मैं ये चिकन का कौन सा कलर कराऊँ, फिर वो कह रहे हैं मैं कर दूँ। तीसरा कौन सा? ओके माय मदर इन लॉ कम्युनिकेटिंग इन पंजाबी टू द गाइस, सो भाई सुबह से फिर नहीं ना, सुबह नहीं आ सकते चाचा, इतनी दूर से आए हैं हम, तो वो बैरिया से आगे से आए हैं। ही इज पुट माय वेरी एक्सपेंसिव सूट इन सम वाटर, अब वो करेंगे कुछ इसमें डाई, मुझे पता नहीं है ये कैसे होता है, अभी देखते हैं। और वो जो लाइट ब्लू दुपट्टा मैं लाई थी ना शिफॉन वाला, आई टोल्ड देम कि वो भी इसके साथ ही कर दें। वो कलर बनाने लगे हैं, लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स। ये कौन सा रंग, अच्छा पर्पल डाला सर। बाबा जी कभी किसी का गलत डाई हुआ है कि कोई बाजी फुल नाराज होके जाए? नहीं, कभी कभार होता ही है। हाँ आम नहीं, कभी कभी तो हो, सबसे ही होती है गलती, वो तो कभी कभार आता है। I just love how these two old men are so dedicated to make my suit look perfect. जब हम डायर का वेट कर रहे थे तो हमने भाई से एक और ले लिया है, ये हमारे खरीदा है पीच पिंक टाइप। भाई आपकी दुकान का क्या नाम है? खैबर। हाँ ये इनके पास है, हम जो पहले लेके गए ना चिकन का जो डाई हो रहा है, इन्हीं के पास हम आ गए हैं वापस। अब ये पिंक खरीद रहे हैं, और मुझे ना भैया वो टी पिंक वाला लाइंस वाला निकाल के देना, बार बार मेरी नज़र उस पे जाती है, उसको मैं देख ही लूँ। दिस आई लाइक अ लॉट, लेकिन द कलर इज अ लिटिल डल, बट द फैब्रिक एंड द काम इज वेरी वेरी नाइस, बट आई एम नॉट टू श्योर। इट्स बिन 20 मिनट्स, आई एक्चुअली गेव इट फॉर अर्जेंट डाइंग, तो अब मैं वापस जा रही हूँ बाबा जी के पास, कोई कुछ हुआ है कि नहीं। बाबा जी अभी तक नहीं शुरू, स्टिल नॉट डन, शुरू हो गया। कलर भी देखते रहे। हाँ नहीं कलर तो चाचा जी ने देखना, मैं नहीं देखना। नहीं मैंने फिर भी यार तो खड़े होने से बात है, कदम मेरा आ रहा है। Now the right color is coming. ਐ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਅੱਛਾ। ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣੇ ਲਗੇ ਆਪ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਕਰਵਾਣਾ। Okay so he's drying it. I don't know that much Punjabi so it's all broken, but he's drying it to show me what the dried final color will look like.
वाओ सेम बस बेहतरीन हो गया ते हुन दुपट्टा ते सलवार वो तीनों पीस ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪੀਸ ਸਲਵਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਮੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ This one suit has taken me like forever, but I hope it turns out nice, guys. I really wanted to turn this one suit. I wanted to turn out nice. I could have bought the Nia Mia one, but it's literally sold out since the day they released that stupid suit. It's been sold out. So now I'm just getting a remake version. But let's see if the tailor can also do the same job, like a fabulous job, and actually make it nice. Finally, the dupatta is also done. हमने डायर के इंतजार में ना एक लेमनेड और एक ये चना चाट मंगा लिया है लेट्स सी हाउ दिस सो बैड दिस लेमनेड स्टैंड गाय हैड टू फिक्स इट फॉर मी बेचारा नाइस गाय पुट सम चटनी एंड लेमन एंड स्टफ नाउ आई होप इट्स ओके नाउ वी आर हमने सोचा अब हम इस बड़ी मार्केट में आए हैं तो लेस भी इधर से ही देख लें बजाय कि हम वहां अपने घर के करीब से देखें तो अब हम आ गए हैं लेस की दुकान पे सीम्स टू हैव क्वाइट अ लॉट ये एंट्रेंस पे लेट्स सी और यहां पे पेंटिंग्स का कुछ फ्रेमिंग का भी सिस्टम चल रहा है नाइस नहीं नहीं ये तो नहीं जा रही ओके नाउ आई एम लुकिंग फॉर लेसेस एंड दिस गाय हैज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस बट कलर इतना मुश्किल किया और डाई कराते हुए नहीं याद रहा कि लेस लेके पहले करा लूँ सो दैट वाज डम ऑन माय पार्ट बिकॉज ओरिजिनल में वाइट लगी हुई थी तो मैंने दिमाग में वाइट ही थी बट देन आई रियलाइज कि उस पर तो वाइट क्योंकि चिकन भी वाइट है ना मेरा तो ये सब एक कलर का सो नाउ दैट्स अ प्रॉब्लम नहीं लग रहा कोई नहीं ये तो बहुत हल्का है क्या करें नहीं कैंसिल हो गया ये प्लान मैं बन गई हूँ लेस वाली मैं अंदर ही आ गई हूँ नहीं कोई बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया करो तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है क्योंकि उसमें कलर बहुत है ना कपड़े में वैसे तो ऊपर तक पड़ी है मगर मेरी वाली तो गली नहीं है आपकी ये लाइट पिंक की भी नहीं मिल रही नहीं ये नहीं है वो दूसरी के तो मिल गई इसके कलर्स में ना ये इसमें शायद जैसे डिसेंट तुम जाती हो ना तो ये वाला कलर लगाओगे तो अंदर मार्केट में वही लेस वाले से आगे बीड्स की भी दुकान है ये देखें अस्सलाम वालेकुम भाई ये पूरा बीड्स जेम्स बटन्स भी होते हैं वाओ सो लाइक इफ यू आर लुकिंग फॉर बीड्स एंड बटन्स एंड ऑल दैट स्टफ यू कैन फाइंड इट हियर इवन टैसल्स ये भी कोई टैसल बन रहा है इधर मेरा ख्याल है ना सो नाइस यू नो द रियली फेमस हुसैन रेहार आउटफिट दे हैव अ कॉपी वर्जन ऑफ दैट आल्सो सो इफ यू आर लुकिंग फॉर एन अफोर्डेबल वर्जन तो ये हुसैन रेहार का डिज़ाइन है दे हैव अ लॉट ऑफ दिस विद अ लॉट मिना हसन का डिज़ाइन है दिस वॉज न्यूज आई लव हाउ दिव कॉपीड एवरीथिंग दिस इज न्यूज But you can obviously come and get your color combinations and everything changed. ये हुसैन रेहार वाला actually काफ़ी exact है because I have this outfit. So I can tell you कि this is actually quite a good replica. Just a little brighter, उसके colors थोड़े light हैं इससे But this market you can find a lot. So if you're like me who's newly moved to Islamabad, ये F10 वाली market में काफ़ी कपड़े का आपका काम हो जाएगा इधर This feather lace was so in last season in winter. लोगों ने आगे कफ की लगाई हुई थी दिस इज़ लाइक प्रॉपर लेस ये भी यहाँ पड़ी है बट लेट्स गो अप नाउ ओके गाइस फाइनली कपड़े डाई हो गए बन गए लाइक बने नहीं मतलब खरीद लिए डाई हो गए लेसें ले ली जो जो कुछ भी चाहिए था सब ले लिया खा लिया पी लिया अब वापस घर एक घंटा तो अभी गाड़ी चलानी है सो बट आई एम वेरी हैप्पी इट वॉज अ वेरी गुड डे आई स्पेंड विद माई मदर इन लॉ वी हैड अ लॉट ऑफ फन गुड बॉन्डिंग टाइम अब ये हम टेलर को देंगे एक दो दिन में आज तो बिल्कुल नहीं वो पिछले वाले वापस कर दे जो पिंक हमने दिए थे सिलने एंड देन वील गो एंड गिव दीज तब तक आई डिज़ाइन दीज अ लिटिल बिट प्रॉब्ली विद रमशाल गो गेट सम मोर लेसेज एंड स्टफ बिकॉज उसको लेसों का काफ़ी पता है सो वील डू दैट एंड देन एक दो दिन में फिर ये सिलने देंगे सो आई कीप यू इन द लूप और घर जाके मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ कि क्या लिया है और कितने का लिया हैलो एवरीबडी सो थक हार के हम लोग आ चुके हैं घर एंड स्किन जो है ना वो कुछ अभी मैं इसको मेकअप उतार के अच्छी तरह स्क्रब करती हूँ इवन दो आई हैड सनब्लॉक ऑन बट यहाँ से काफ़ी बर्न हो रही है इट वाज अ वेरी 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 हॉट डे टुडे बट वी वर सक्सेसफुल इन गेटिंग सम क्लोथ्स सो लेट मी शो यू वन बाय वन एंड देन आई टेल यू द प्राइसेस आल्सो ऑब्वियसली दीज प्राइसेस आर लाइक
आफ्टर बार्गेनिंग अलॉट, नॉट अलॉट एक्चुअली, मुझे इतनी बार्गेनिंग कोई नहीं आती, बट थोड़ी सी निगोसिएशन के बाद वाली प्राइसेज हैं तो वो आपको करनी पड़ेंगी. इनिशियली दे विल टेल यू अ डिफरेंट रेट और उसके बाद फिर आपको उनसे बहस करनी पड़ेगी कि भाई थोड़ा सा कम करें. सो जो पर्पल हमने डाई करवाया ना चिकन का, वो ऊपर मैंने फैला दिया बिकॉज वो डाइंग से अभी तक गीला था. ये मैंने एक कपड़ा लिया है विच आई गॉट फॉर लाइक अ ट्राउजर बिकॉज आई रियली लाइक दिस स्कैलपिंग एंड द फ्लावर्स. तो इसका मैं क्यूलॉट बनवाऊंगी, ये थोड़ी सी मट्टी लगी हुई है. तो ये खुले पांचे वाला जो पजामा होता है ना क्यूलॉट टाइप, वो इसका मैं बनवाऊंगी. और इसका ऊपर तक ये छोटी छोटी सी एम्ब्रॉयडरी बूटी टाइप है चिकन की. सो रियली रियली लाइक दैट. और ये पजामे का कपड़ा मुझे मिला है फॉर 1500 या 1300 आफ्टर बार्गेन आई थिंक, बट वेरी वेरी नाइस, रियली लाइक दैट. तो ये मैंने ले लिया पजामे के लिए, ठीक है. देन आई बॉट दिस विच मैंने पूरा ये सूट का ले लिया. दिस इज़ अ वेरी क्यूट रोजी रोजी टाइप ऑफ अ प्रिंट. एंड ये देखें द कपड़ा इज सो नाइस, ये लॉन का कपड़ा है, वेरी वेरी नाइस सॉफ्ट फैब्रिक. तो ये मैंने सोचा कि मैं पूरा सूट ले लूँ इसका इंस्टेड ऑफ जस्ट अ शर्ट. तो ये मैंने पूरा सूट ले लिया था एंड ये पूरा सूट कॉस्ट मी 2000. तो हज़ार की कमीज़, हज़ार का पजामा. And then I paid, he said 2000, I paid 1800 for the whole, no, he said 2200 and I paid 2000 for the whole suit. So there's this, isko bhi abhi designing karke dekhte hain ki kya banayenge. Then this my mother-in-law really liked, aur main unko dukaan mein kehti, ye bahut gola ganda hai, mujhe nahi pehenna. So she was like, nahi, tum bilkul rang nahi pehenti, to ye tum lo. So phir this I also bought, but this, she was insisting that I buy the whole suit, shalwar and kameez, but I was like, kameez hi khali, theek hai. So I'll wear this shirt with this pajama, so it'll dull down a little bit. So this is just for like a kurta. And then this, I actually, it was a really nice cute fabric. ye uske paas na ek piece bacha hua tha, main aapko khol ke dikhati hu. So this is not a full shirt ka, but it's like these lines like this. तो इसके नीचे लाइनिंग फॉर श्योर लगेगी. बहुत ज़्यादा पतला कपड़ा है ये, देखें बहुत पतला कपड़ा है. बट आई थॉट आई लाइक द नाइस क्रॉस स्टिच एंड द कलर कॉम्बिनेशन, सो आई थॉट इसके नीचे लाइनिंग लगा के ये स्लीवलेस कुर्ता बन जाएगा बिकॉज पूरा बाजुओं वाले कुर्ते का इसके अंदर कपड़ा नहीं था. दिस वॉज जस्ट लाइक अ कट पीस ही हैड, तो मैंने कहा ये भी दे दो. सो दिस वी गॉट लाइक दिस फैब्रिक वी गॉट फॉर 500, दिस वी गॉट फॉर 1000 रुपीज़. दिस शर्ट वो 1500 का, वो पजामा था और ये 2000 का सूट था. एंड जो मैंने पर्पल ऊपर दिया, पर्पल आपने देखा डाई होते हुए चिकन वाला, वो शर्ट मुझे पड़ी है ऑलमोस्ट 3000 की. एंड जो दुपट्टा था प्योर शिफोन का वो मेरे पास था ऑलरेडी, वो इस कलर का था, वो मैं लेके गई थी एंड आई गॉट इट डाइड टू दैट कलर. एंड देन आई हैड टू बाय द पजामे का कपड़ा फॉर दैट बिकॉज आई वॉन्टेड अ मैचिंग पजामा विद दैट वाइट. से ना वो कुर्ते पजामे वाली फील आती है एंड आई वॉन्ट टू मेक दैट वन लाइक अ फॉर्मल kind of an outfit. तो वो the pajama cost me another 800 रुपये आई थिंक और सम लाइक 1800. तो वो सूट अराउंड अबाउट मुझे 4000 का पड़ा है और दुपट्टा मैंने अपना रीयूज किया है एंड देन अभी उसकी स्टिचिंग एंड ऑल. बट आई नो आई जस्ट वॉन्टेड टू टर्न आउट नाइस. आई रियली रियली होप दैट वन टर्न्स आउट वेरी नाइस. सो लेट्स सी, दिस वॉज माई टोटल शॉपिंग, क्वाइट अ लॉट एक्चुअली. मतलब एक वो पर्पल हो गया, दूसरा ये, 2, 3, 4 एंड देन दिस पजामा. सो क्वाइट अ लॉट ऑफ क्लोथ्स. एंड दो ऑलरेडी पिंक स्टिच हो रहे हैं टेलर के पास, सो 5, 6 सो सम आई थिंक समर्स के लिए काफ़ी हैं, बहुत हो गए कपड़े. सो अब जब ये सेल के आएंगे तो आप लोगों को बाकी दिखाऊंगी. बट आई होप यू लाइक द शॉपिंग, लेट मी नो वट यू थॉट. माई मदर इन लॉ बॉट 2, वो उनके पास उनके ऊपर हैं, बट राउंड अबाउट द सेम प्राइस, 1500-2000 का सूट था वो. दिस इज़ द पर्पल चिकन, ये सूख गया है दुपट्टा भी सब भी. अभी हम घर आए थे, घर आके कोई घंटा गुजर गया है, बट अब मुझे कोई इंटरनल प्रॉब्लम शुरू हो गई है कि मैंने जाना है लेस वाले के पास. सो द स्टुपिडिटी जो मैंने आपको पहले ही बताया था दैट आई डिड इज कि मुझे लेसें साथ इस कलर की डाई करा लेनी चाहिए थी, विच आई डिडंट डू. नाउ आई जस्ट वीडियो कॉल माई सिस्टर हु इज़ रियली रियली गुड एट डिजाइनिंग माई क्लोथ्स. तो उसने मुझे कहा कि तुम वाइट लगा लो, इट्स ओके, वाइट माइट नॉट लुक बैड, या फिर देख लो अगर लेस डाई हो जाती है. बट शी सेड जस्ट गेट वाइट, इट विल ब्रेक द मोनोटनी ऑफ सो मच पर्पल. मतलब वो बीच में एक कलर ब्रेकेज ले आएगा, वरना ये पूरा एक ही पर्पल 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 हो जाएगा. सो नाउ आई एम गोना गो सी इफ आई कैन फाइंड गुड वाइट लेस एंड वी आर गोना गेट दिस डन विद टुडे. इवन दो अभी रात के 9:30 हो चुके हैं, बट अब मेरे अंदर क्योंकि वो कीड़ा आ गया है तो ये आज हम करके रहेंगे. लुक बाय द वे टुडे इन माई जनरेशन 2-piece सूट एंड मेकअप हैज लास्टेड मी ऑल डे. वेरी टायर्ड, बट जब तक अभी ये कपड़े नहीं होते ना तब तक मैंने चैन से नहीं बैठना. सो नाउ आई हैव फोर्स टू सामा कि अब मैं नहीं और गाड़ी चला सकती, आप मेरे साथ चलो. सो ही इज़ गोइंग, आई जस्ट टेक दीज 3 ताकि मैं देख लूँ इनके साथ वो वाइट रख रख के. एंड माई हस्बैंड ब्रॉट मी टू लेस हेवन बेसिकली.
ये आप देखें इतनी ह्यूज दुकान है, इतनी ह्यूज तो वहाँ नहीं थी दुकान बिल्कुल भी, तो अब शायद यहाँ मुझे कोई लेस मिल जाए वैसे। ओके गाइस, सो लेस वाला काम अब हम कल करेंगे, तो अब आप कल परसों वाले ब्लॉग में देखिएगा क्योंकि दुकान बंद होने वाली थी। और लेकिन मैं पिक्चर्स खींच के आ गई हूँ कपड़े पे रख रख के, सो नाउ आई कैन थिंक अबाउट इट ऑल नाइट एंड डिजाइन माई आउटफिट। पर हमने फिर उसके बाद पिंक लेमनेड खरीद लिया, इवन तो मैंने पहले उस समय कहा कि घर जाके चाय पियेंगे, लेकिन गर्मी इतनी थी कि हमने कहा नो वी विल स्टिक टू द लेमनेड, सो वी गॉट पिंक लेमनेड व्हिच इज जस्ट एज गुड, सो गुड। तो बस अब आई थिंक आई एम फुली एग्जॉस्टेड, आई थिंक आई एम जस्ट डन फॉर टुडे एंड यू मस्ट बी डन टू। So anyway guys, I think I'll end the vlog here now. It was a nice, very very nice, productive, good day with the mother-in-law. And then thanks to Usama, I saw the lace ki dukaan too. Aur ab bas ye piyungi and now I'm going to relax and unwind a little bit. So that was all for today. I hope you guys enjoyed today's vlog. And I think I'm done summer shopping now. Ab bas ye hai ki ye silenge kaise. Aur Angel by the way is my tailor's name. Like genuinely that is his name. So Angel bhai is going to make my That's clothes now. That's the shop's name. That is his name. No. I called him Angel bhai yesterday and he said, Ji bhaji sab yehi bolte hain. Because uski dukaan ka naam hai Angel Stitching. Yes. So he is Angel. Okay. Thank you. So anyway, so Angel is going to stitch my clothes now. Kal ya parso, I think he's going to deliver the other two pink ones. To wo jaise hi wo dega, to phir main ye wale dungi, taki mujhe pata ho ki usne wo sahi siye ki nahi. Otherwise, then I'm going to ditch Angel and I'm going to go to somebody else. मगर आई थिंक बना ही देगा, तो उसको देंगे कपड़े, फिर जब सिल के आएंगे तो फिर आप लोगों को एंड रिजल्ट दिखाऊंगी कि किस तरह के बने, क्या बना, क्या मैंने उनके साथ किया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे यू गाइस, आई होप यू एंजॉयड द व्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू कॉमेंट कि आप लोगों को इनमें से सबसे अच्छा कौन सा लगा। आई विल सी यू अगेन वेरी वेरी सून, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।